राम मंदिर निर्माण और श्री कृष्ण जन्म स्थान के मुद्दे को लेकर योगी सरकार ने अपने दोबारा से सरकार भी बना ली, लेकिन क्या मंदिरों को लेकर योगी सरकार गंभीर नजर आ रही है? क्योंकि मंदिरों की बात करने वाली सरकार में ही धर्मनगरी मथुरा में ही मंदिरों के पास ही शराब के ठेके खोलकर मंदिरों में दर्शन करने आने वाले श्रद्धालुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाई जा रही है। इसका जीता जागता उदाहरण इन तस्वीरों में आपके सामने है, जिसमें मथुरा कि नए बस स्टैंड और पुराने बस स्टैंड के पास ही बने मंदिरों के नजदीक में मथुरा के आबकारी विभाग के द्वारा शराब की दुकानें आवंटित कर दी गई हैं और योगी सरकार की नीतियों पर जमकर आबकारी विभाग के द्वारा पलीता लगाया जा रहा है। मथुरा से संवाददाता उमेश भदौरिया की रिपोर्ट। इसके बारे में हमने बहुत बार आंदोलन करे, हमने अपने मंत्री विधायक MP सबको सूचित किया, पर किसी ने कोई ध्यान नहीं दिया। मैं बहुत द्रवित हूँ, किसी उदासीनता का मतलब क्या, जबकि योगी जी और मोदी जी की गवर्नमेंट में मंदिरों से दूर शराब के ठेके खोले जाएंगे। अरे यहाँ अति प्राचीन एक मॉडर्न बार नाम की संस्था है, चारों तरफ मॉडल शॉप है और ये सिद्ध अति प्राचीन मंदिर है, पर प्रशासन की उदासीनता है, मैं इसके आगे कुछ नहीं कह सकता। प्रशासन से आप क्या मांग करेंगे? मैं सभी से करबद्ध करके ये प्रार्थना करना चाहता हूँ कि यहाँ बृहस्पतिवार को आके देखा जाए, हजारों की संख्या में दर्शनार्थी आते हैं, चारों तरफ शराब की रिश्के वाले तांगे वाले शराब पी पी के बहुत रात को आतंक होता है। यहाँ कोई राय दुआई नहीं है, रात को शराबियों का।